हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ये देहरादून की मोस्ट पॉपुलर जगहों में से है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ जरूर विजिट करते हैं। एंड अभी आपका फ्रंट एरिया है, मंदिर आ चुके हैं एंड यहाँ पे चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद आपकी एंट्री होती है। और यहाँ से FRI में है क्या, FRI एक बिल्डिंग है, एक इंस्टीट्यूट बिल्डिंग है और जो कि बहुत बड़ी है। एंड यहाँ पे 5 म्यूजियम्स हैं बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल कलेक्शंस को लेते हुए। एंड यहाँ की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत बढ़िया है एंड यही सब देखने लोग आते हैं। और ये आपका फ्रंट एरिया है और यहाँ से स्टार्टिंग होती है। हम म्यूज़ियम की टिकट लेके जूलॉजिकल जो भी म्यूज़ियम है उसमें जा रहे हैं और ये कॉरिडोर है, यहाँ से होते हुए हम जाएंगे। एंड आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। एंड आपकी राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे कैंटीन एरिया है और बट ये कॉलेज के लोगों के लिए है। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, हर कॉरिडोर के सामने अपना एक पर्सनल गार्डन है एंड हर रूम्स हैं। आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर बहुत ही बेस्ट है एंड ये जिस ज़माने में बना था, मेंटेनेंस होती रहती है बट ये जिस ज़माने में बना था, बोलते इसमें सीमेंट नहीं है ब्रिक्स के बीच में, इसमें रावी एंड शुगर सिरप यानी चीनी की चाशनी मिला करके बनाई गई थी और इसमें सीमेंट नहीं यूज़ हुआ है। तो देखिए यहाँ से ये बैक एरिया है और ये बैक एरिया का पूरा कॉलेज है और इतना बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। और मैं अपनी फैमिली के साथ आई, मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने यहाँ पे। यहाँ का जो आर्किटेक्चर था देखा, म्यूज़ियम में देखा, काफ़ी सारी नॉलेज गेन की यहाँ से। तो आप आएँ यहाँ पे, अपने बच्चों के साथ आएँ तो डेफ़िनेटली यहाँ आएँ, उन्हें यहाँ ये सब चीज़ें दिखाएँ और उनकी नॉलेज डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एंड यहाँ पे सिर्फ नॉलेज और यही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग्स भी होती ही रहती हैं। लाइक कृष्णा कॉटेज मूवी की पूरी शूटिंग यहाँ हुई है एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई है। तो बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ होती है बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ का एक पूरा व्यू में दिखाती हूँ गार्डन का, जितना दूर तक आप देख सकते हैं पूरा यहाँ का गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बिल्डिंग भी है। तो अभी हम अंदर हो गए हैं एंड ये एक और कॉरिडोर है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस हैं जहाँ पे विजिटर्स की एंट्री अलाउ नहीं है। और अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम्स में, आपको दिखाना, म्यूज़ियम्स में वीडियो अलाउ नहीं है। तो मैंने जो भी पिक्चर्स क्लिक की फ़ोन से, मैं वही आपको दिखा पाऊँगी बिकॉज यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था। तो चलिए फिर देखते हैं और म्यूज़ियम्स में। तो ये एक म्यूज़ियम है फर्स्ट, और यहाँ पे वुडन कलेक्शन से तरह तरह के एंड इंसेक्ट बटरफ्लाई कलेक्शन है हर स्पीसीज के एंड बहुत कुछ है यहाँ पे। फॉरेस्ट कलेक्शंस हैं अलग अलग तरह के एंड ये जैसे बोलते हैं टर्माइट हाउस एंड दीमक का घर, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस हैं। एंड जब आप बाहर निकलते हैं तो ये एरिया है आप बाहर का पूरा, जहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग में अक्सर ये बिल्डिंग का लोकेशन लिया जाता है। तो ये और बहुत ही सुंदर था, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया। डेफिनेटली आप यहाँ आएँ, इंजॉय करें। एंड ये देखिए आप हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, ये पूरी बिल्डिंग है एंड ये देखिए ये मेन जो अक्सर लोकेशन देती है, मैंने भी जो फर्स्ट पिक लगाई थी उसमें जो लोकेशन था वो यही लोकेशन था। तो यहाँ से ये बहुत बड़ा है। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं और वापस जाने के लिए एकदम इतनी लंबी रोड लगती है, आई थिंक 1 to 2 किलोमीटर तक की एक सिंपल रोड है जो हमें कॉलेज के कॉलेज बिल्डिंग से लेकर के कॉलेज के मेन गेट तक ले जाने में बीच में पूरी 2 किलोमीटर की रोड है, इतनी लंबी। तो मैंने कहा चलो कुछ वॉक करते हुए चलते हैं। और हालांकि अगर आप अपनी कार या किसी भी कन्वेंस से आते तो आप उसकी फीस लेकर के आप पार्किंग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।